एट क्लास आपके लिए मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है बेटा, इसका नाम है आपने सूप बाउल ड्रॉ करना है। ओके मैंने इसमें कुछ मेजरमेंट्स लिए हैं, आप उस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, और अगर किसी स्टूडेंट का फ्री हैंड है तो वो अपने फ्री हैंड के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकता है। सबसे पहले बेटा हमने 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ करी है। उसके बाद आपने इसका अप्रॉक्सीमेटली टोटल 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जिसमें 2 सेंटीमीटर आपका अपर रहेगा और इस पॉइंट के बाद नीचे का जो आपका हिस्सा है वो 6 सेंटीमीटर का है। मैंने सेंटीमीटर मार्क करे हुए हैं। उसके बाद आपने ये आपके अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमने इसको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें हम इस लाइन के मिड में 2.5 मिड में रखेंगे, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है और 5 का आधा 2.5। इससे हमने 2.5 को मिड में रख के 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब हमने ये अपनी फिगर में मेजरमेंट्स बना लिया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, आपने पहले इस तरीके से इस पॉइंट से इसको मिलाना है और दूसरी साइड से टर्न करके फिर इस पॉइंट को इधर मिलाना, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर्व कर लोगे क्योंकि आपका बाउल कर्व होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसे यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये लाइन मैंने इससे ड्रॉ करवाई जिससे आपको ईजिली वाला पॉइंट मिल सके। ये लाकर आपने इसको यहाँ मिलाना है, यहाँ पे लाके ऐसे सेम आप इधर से करेंगे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.5 है, 1 सेंटीमीटर का भी आधा, ये लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करनी है। ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस लाइन के ऊपर आके लाए करते हैं, यहीं से आपने एक और 0.5 लगाना है और इनको कंबाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले पैटर्न को, इस वाली लाइन के इधर हाफ में आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ये आपका उधर वाले बाउल का एरिया शो कर रहा है, ठीक है। फिर आपने स्पून ड्रॉ करनी है, आप इस मिड के हाफ से ज़्यादा में स्पून अपनी लेकर ऐसे ले जाएंगे, हल्का सा टर्न करके, यहाँ से आपने स्ट्रेट रख के हल्का सा टर्न देना है। ये जो बेटा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी है, क्योंकि स्पून कभी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होती, हल्का सा उसमें टर्न होता है, तो आपने यहाँ से ऐसे टर्न उठाना है और अपनी स्पून को लाना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपने ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं इन सबको, जितनी भी ये लाइन्स हमने ड्रॉ करी है इनको इरेज कर देना है। मैं आपको इसमें शेड करने का पैटर्न बता रही हूँ, स्पून के अंदर से आपने इस एरिया को इरेज करना है, क्योंकि स्पून के पीछे का ऑब्जेक्ट हमें दिखता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। मेजरमेंट्स में इरेज नहीं कर रही हूँ, इससे कि अगर आप दोबारा वीडियो देखें तो आपको पता रहे। अब आपका ये हो गया। अब आपने फटाफट ये देखना है कि मैं इसमें शेड कैसे करती हूँ। आप चाहो तो इसमें पैटर्न भी बना सकते हो, अगर किसी बच्चे को डिज़ाइनिंग देनी है तो वो इसमें डिज़ाइन का पैटर्न भी यूज़ कर सकता है, वो आपकी विश है। जैसे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें दे रही हूँ, ये कंपलसरी नहीं है बेटा, आपके मर्जी है। और यहाँ पर आप अपने बाउल में सूप दिखा सकते हो, थोड़े से कोई भी आपने जैसे चीज़ गिरा हुआ है, ऐसे कुछ कॉर्न के पीसेस दिखा सकते हो, ठीक है। इसको आपने हल्का सा लाइक अपनी पेंसिल को थोड़ा सा डाउन करना है और इसमें शेड देना है। ध्यान रहे आपने इस वाले पार्ट को शेड नहीं करना है, और अगर आप इस वाले पार्ट को शेड करते हो तो आप यहाँ के लिए शेड यूज़ नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक पार्ट लाइट रहेगा एक डार्क रहेगा,
जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आपका इंटरनल पार्ट है बाउल का और वो एक्सटर्नल। इस तरह से आप अपने शेड को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने कॉर्न पीसेस को हाईलाइट कर सकते हो। आप चाहो तो आप हल किसी ये वेवी भी दिखा सकते हो कि आपका सूप जो है वो गर्म है। उस केस में आपने ध्यान रखना है कि आपको अंदर का ये वाला पार्ट इरेज करना होगा। इनको आप डार्क कर सकते हो। ये आप पे है कि आप अपने बाउल को क्या पैटर्न देना चाहते हो। आप कोई और डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है आपने इसी डिज़ाइन को यूज़ करना है। किसी स्टूडेंट को कोई और डिज़ाइन आता है तो वो यूज़ कर सकता है, और सिंपल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आप डिज़ाइन यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक लगता है, उसमें पॉइंट्स मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। एट द एंड आपने अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइनिंग को थोड़ा डार्क करना है जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके। इस सब लाइंस को आप डार्क कर सकते हो। इसको आप एक डार्क शेड दे सकते हो अगर आप इसको लाइटर पे छोड़ रहे हो। और यहाँ आपने हल्का सा बाउल की शेडो ड्रॉ करनी है। लास्ट में आपने एट द एंड अपने पेपर को बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि आपकी ये जो क्लीनिनेस होती है इसके आपको स्कोरिंग दी जाती है। तो आपने क्लीनिनेस का ध्यान रखना है कि आपका पेपर बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। ओके, डन बेटा।